क्या आपको अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के पूरी रात छोड़ देना चाहिए? क्या आपको फास्ट चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करना चाहिए? क्या आपको अपने फ़ोन को किसी और के चार्जर से चार्ज करना चाहिए? और क्या आपको 0% तक अपनी बैटरी को ला के ही फ़ोन को चार्ज करना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस टेक टॉक एपिसोड नंबर 37 के अंदर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VMone और मेरा नाम है विनीत और अब हम बात करते हैं फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। सब्सक्राइब करें VMone चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं टेक टॉक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, दो एक साल पहले रिलीज हुआ था सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 और वो बहुत ही शानदार फोन था, लेकिन लोगों ने उसको खरीदा और खरीदने के बाद उसकी बैटरी होने लगी एक्सप्लोड। सैमसंग ने इस चीज को बहुत जल्दी एड्रेस भी किया था और वो पहले कुछ ऐसे फोन्स में से था जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी थी, यानी आप बैटरी को बहुत जल्दी चार्ज कर सकते थे। लेकिन पता ये बाद में चला कि उसकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ही प्रॉब्लम थी और उसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सैमसंग ने बहुत ही बड़ी गलती या मिस्टेक कर रखी थी। उसके बाद सैमसंग ने उस चीज़ को रिकॉल किया गैलेक्सी नोट 7 को और उसको रिप्लेस करके दिया नए नोट 7 के साथ और एक डिस्काउंट ऑफर के साथ। लेकिन जो गैलेक्सी नोट 7 उसके बाद मिला लोगों को, उसकी बैटरी 80% के बाद चार्ज ही नहीं होती थी। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या आपके फ़ोन की बैटरी के साथ भी ऐसा ही हो सकता है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा बैटरी और बैटरी टेक्नोलॉजी की जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। हम बैटरी यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरीज और ये टेक्नोलॉजी है कम से कम 20 साल पुरानी। इसके अंदर कोई मेजर सुधार आज तक हुआ नहीं है सिवाय एक सुधार के जो था 2-3 साल पहले फास्ट चार्जिंग के रूप में। हम सिर्फ अब फास्ट चार्जर यूज करते हैं जिससे हमारी फोन की बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। तो क्या है ये फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और ये कैसे काम करती है? फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों काम करती है दो फेजेस में, फेज 1 एंड 2। फेज 1 काम करता है 0 से 80% के बीच में और फेज 2 काम करता है 80 to 100% के बीच में। फेज 1 के अंदर जो चार्जर है वो बैटरी के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भेजता है जिससे बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होती है और 80 to 100 के फेज के अंदर यानी फेज 2 में वो उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी भेजता है ताकि बैटरी चार्ज तो हो लेकिन एक्सप्लोड ना हो। और यही प्रॉब्लम थी सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के अंदर कि उसके अंदर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी जरूर यूज हुई थी लेकिन फेज वाइज टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी गई थी और उसका जो चार्जर था वो इलेक्ट्रिसिटी पंप करे जा रहा था बैटरी के अंदर और कई लोगों की बैटरी एक्सप्लोड हो गई इसी वजह से। तो क्या आपके फ़ोन की बैटरी भी इसी तरह एक्सप्लोड हो सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि आज की डेट में जो भी फास्ट चार्जर के साथ फ़ोन्स आते हैं उसके अंदर यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, चाहे वो कोई भी फ़ोन हो किसी भी प्राइस रेंज का हो। सब कंपनीज़ ने नोट 7 के एक्सप्लोजन के एपिसोड्स के बाद ये सबक लिया और 2-फेज टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अब फास्ट चार्जर सप्लाई करते हैं फ़ोन्स के साथ। तो अब आपकी क्लियर करता हूँ कन्फ्यूजन नंबर 2, क्या आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के पूरी रात छोड़ सकते हैं? उसका जवाब है हाँ, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप अपने फोन को पूरी रात छोड़ सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आज के चार्जर्स जो हैं वो 80% के बाद स्लो चार्ज करेंगे और 100% आते आते वो अपने आप ही कट ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको कोई जरूरत नहीं है रात को उठ के उसको बंद करने की। कन्फ्यूजन नंबर 2, क्या आपका फास्ट चार्जर जो है वो बैटरी को ख़राब करेगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया फेज़ वाइज कट ऑफ हो जाता है, इससे बैटरी ख़राब नहीं होती बल्कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। कन्फ्यूजन नंबर 3, क्या आप किसी और के चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करके फ़ोन ख़राब कर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप अपने बॉक्स में सप्लाइड चार्जर को ही यूज़ करें तो वो बेस्ट होगा। कन्फ्यूजन नंबर 4, क्या आपको अपनी बैटरी को 0% तक ड्रेन करने के बाद ही चार्ज करना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बट इसके साथ एक और कन्फ्यूजन जुड़ी है जो है कि लो बैटरी जब होती है फ़ोन के अंदर तो वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा एमिट करता है सेल फोन। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बैटरी का रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों और इससे कोई रेडिएशन ज़्यादा एमिट नहीं होती। बट 30% से नीचे बैटरी अगर आप लेके आते हैं और बार बार और उसको तब चार्जिंग पे लगाते हैं तो उससे बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए आपको बैटरी को चार्जिंग अगर करनी है तो 30 से 80 के बीच में ही करनी चाहिए।
आई होप मैं आपकी बैटरी से जुड़ी हुई मिथ्स और कंफ्यूजन्स को दूर कर पाया हूंगा, और अगर कर पाया हूं तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो, और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक नए टेकटॉक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें VMone चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं टेकटॉक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।